अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। अयोध्या बाबरी विध्वंस की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी में अयोध्या से बाबरी विध्वंस के आरोपी भी पेश हो रहे हैं। अयोध्या बाबरी विध्वंस की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी में अयोध्या से बाबरी विध्वंस के आरोपी भी पेश हो रहे हैं। अयोध्या सरयू घाट पर विध्वंस के आरोपी पूर्व विधायक पवन पांडेय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिव सैनिक संतोष दुबे, मनहत गांधी यादव ने सरयू घाट में सरयू आचमन कर जय श्री राम के नारे लगाकर लखनऊ के लिए रवाना हुए। वही कारसेवक संतोष दुबे ने सरकार से मांग किया है कि विवादित ढांचे के मुकदमे को समाप्त कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वे स्थान राम जन्मभूमि है। आज राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, अब इस केस का कोई मतलब नहीं है। यह हमारा मकान था जिसे गिराकर नया मकान बनाया जा रहा है, इसको इस तरह समझना होगा। हमें गर्व है कि विध्वंस किया है, उसमें कोई सवाल नहीं है। यह राम का कार्य था, राम कार्य के लिए मृत्यु भी आए कोई बात नहीं। वहीं पूर्व विधायक पवन पांडेय का कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मुझे गर्व है कि कलंक को मिटाने के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा है। हमने बाबरी ढांचे जैसे कलंक को मिटाया है। आज टाइटल का फैसला पूरा हो चुका है। बाबरी मस्जिद पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी इस मुकदमे को समाप्त करने की मांग की है। उनके बयान का हम सब स्वागत करते हैं। अब हमारी भी मांग है कि सरकार इस मुकदमे को समाप्त करें। राम मंदिर का फैसला भी आ गया, तो अब क्या मानते हैं इस सुनवाई में कि क्या हो सकता है आगे? अब इस सुनवाई का तो अर्थ यूं तो कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सरकार को सब वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है कि वहाँ राम जन्मभूमि थी, है और आगे भी रहेगी और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो इन परिस्थितियों में उस केस का कोई मतलब नहीं। हमने अपनी संपत्ति थी, हमने अपने पुराने मकान को ढाया है और उसकी जगह नया निर्माण करने चल रहे हैं। तो और इसके अतिरिक्त जो लोग इस पर जबरदस्ती महजिद मान करके विवाद कर रहे थे, उनमें से जो वादी मुकदमा थे उनके बेटे श्री इकबाल अंसारी ने कहा है कि जो इसमें आरोपी बनाए गए उनसे मुकदमा वापस लिया जाए, खत्म किया जाए। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ, ये सही भी है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत हम तीनों भाइयों का प्रश्न है, मैं और श्री पवन पांडे, श्री गांधी यादव जी का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने जो कुछ किया है हम अपने को इस पे कहीं से अफसोस नहीं। मुझे खुशी है, गर्व का विषय है और हम अपने परिवार को, अपने इस जनपद को, अयोध्या की इस माटी को धन्यवाद देते हैं। माता सरयू को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जैसे लोगों को पैदा किया, जन्म दिया और हम यहाँ पले पोसे, जवान हुए और राम कार्य किया। हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। करोड़ों हिंदू भावनाओं के साथ हम लोगों ने अपने धर्म का संपूर्णतः निर्वाह किया है, इस पर हम कहीं हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। राम कार्य के लिए मृत्यु भी आवे तो उसका भी स्वागत है, आखिर चार गोलियां खाकर भी तो जीवित हैं, ढांचे से गिरकर 22 दिन कोमा में रहकर भी जीवित हैं, भाई गांधी यादव जी घायल होकर के भी जीवित हैं, आदरणीय पवन पांडे जी इतना दंश झेलने के बाद, इतना पीछा करने के बाद भी आज भी जीवित है। तो राम कार्य का ये जो निहोरा है, हमको, हम लोगों को प्रभु राम ने निमित्त मात्र बनाया है, तो हम पीछे हटने वाले नहीं। हमने जो किया है वो अंतरात्मा की आवाज, प्रभु राम की प्रेरणा, हनुमान जी की कृपा से किया और करोड़ों हिंदू जनभावनाओं के अनुरूप, अनुसार, अनुकूल कार्य किया। अपने किए पर हमें, हम तीनों भाइयों को अपने किए पर गर्व है, कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का होता है कि जो हमारे आदरणीय गुरु जी, इस आंदोलन के सलाहकार पुरुष थे, श्रद्धेय परमहंस रामचंद्र दास जी, आज वो अपनी आंखों से इस दृश्य को नहीं देख पा रहे हैं। ये भावुक क्षण है हम सबों के लिए, कम से कम हम और पवन पांडे जी के लिए भावुक क्षण है कि हमारे गुरु जी इस पूरे दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा भी था कि हमारे न रहने के बाद जब मंदिर का निर्माण होगा तो तुम और पवन पांडे दोनों मेरी दो आँखें हैं, तुम देखोगे तो समझ लो मैंने भी देख लिया। आज उस क्षण को याद करते हुए गला भर जाता है कि आज परमहंस जी होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनके वंशज, हम उनके शिष्य लोग इस कार्य को देख रहे हैं अपने आंखों से, इस निर्माण को देख रहे हैं। हमें अपने किए पर प्रसन्नता है, बिल्कुल कोई अफसोस नहीं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम तीनों भाई अपने इसी जीवन काल में काशी और मथुरा के लिए भी इसी तरह का कार्य करें। कितने बजे? बस तुरंत यहाँ से निकल कर रवाना ही हो जाएंगे, चले जाएंगे। माँ सरयू का आशीर्वाद मिल गया, प्रभु राम की कृपा हो गई। कौन-कौन लोग जा रहे हैं बता दीजिए, नाम बता दीजिए। श्रद्धेय पवन पांडे जी, श्रद्धेय गांधी यादव उर्फ गजानन दास जी,
जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, बाल्यावस्था में यहाँ आए थे साधु हो गए राम मंदिर निर्माण के लिए जी, ये आरोपी हैं उसके, प्रयाग में वास कर रहे हैं, प्रयाग वास कर रहे हैं, वहाँ साधु हो गए, उन्होंने घर परिवार सब त्याग दिया, तो एक अच्छे कार्य के लिए हम लोग निकले थे, और कौन राम कृपा से पूर्ण हो गया। और क्या नाम है? लखनऊ में ही मिले जा रहे हैं, कौन कौन लोग जा रहे हैं और क्या वहाँ पर आज जो सुनवाई होगी और क्या बयान कर इधर जगह दे दो बड़े नीचे को नीचे जगह दे दो। ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सारी गवाहियों को क्लोज करने के बाद सीआरपीसी 313 के तहत जो बयान होता है वो मुलजिमों का होता है, उसको जो अपनी सफाई में जो कुछ कहना होता है कोर्ट का अंतिम अवसर होता है जब वह अभियुक्त अपनी बात को कहता है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमको इस कलंक को मिटाने में, इस ढांचे को गिराने में हमको एक्यूज बनाया गया है। हमने जो बात 90 से पहले कही थी वही बात आज भी कह रहे हैं कि हम उस बाबरी ढांचे के रूप में जो अयोध्या में कलंक था उसको मिटाने पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि अब उसके टाइटल का फैसला हो गया है। अभी इकबाल अंसारी जी ने भी कहा कि अब उसका कोई औचित्य नहीं रहा कि क्रिमिनल केस चलाया जाए, लेकिन रामकाज में यस इस 313 की कार्रवाई में हमसे ये पूछा जाएगा कि आप उसमें शामिल थे, तो लाखों राम भक्तों के साथ हम लोग उसमें शामिल थे और कई आंदोलनों में लोग जुड़े थे, जो नवंबर में भी हुआ था, आपके 90-91 की घटना में भी हुआ था, हम सब लोग उसमें शामिल थे। और अगर उसमें ये बात मानी गई कि उस कलंक को मिटाना अपराध है तो हम किसी तरह की क्षमा याचना नहीं करेंगे। हमें इस बात के लिए गर्व होगा कि राम काज में हम किसी काम आ सके और जो बची जिंदगी है वो राम के नाम पर कुर्बान हो सके। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।